ये है दिल्ली दर्पण। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना सीमापुरी इलाके में देर रात पुलिस चेकिंग के दौरान सीमापुरी शमशान घाट के पास लगी पुलिस बैरिकेडिंग में गोलियां चली। पुलिस ने इलाके के बदमाश बाबू को रोका तो बाबू ने पुलिस पर गोलियां चला दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी बदमाश पर गोलियां चलाई जो उसके पैरों में जा लगी। बाद में घायल बाबू को स्वामी दयानंद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि बदमाश बाबू पर 2 दर्जन से अधिक स्नैचिंग और रॉबरी के मामले दर्ज हैं। कई बार बाबू जेल भी जा चुका है और अब जमानत पर बाहर आया हुआ था। फिलहाल मुठभेड़ में अन्य किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना सीमापुरी इलाके में देर रात पुलिस चेकिंग के दौरान सीमापुरी शमशान घाट के पास लगी पुलिस बैरिकेडिंग में गोलियां चली। पुलिस ने इलाके के बदमाश बाबू को रोका तो बाबू ने पुलिस पर गोलियां चला दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी बदमाश पर गोलियां चलाई जो उसके पैरों में जा लगी। बाद में घायल बाबू को स्वामी दयानंद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि बदमाश बाबू पर 2 दर्जन से अधिक स्नैचिंग और रॉबरी के मामले दर्ज हैं। कई बार बाबू जेल भी जा चुका है और अब जमानत पर बाहर आया हुआ था। फिलहाल मुठभेड़ में अन्य किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।